हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू SST चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 17. नेम ऑफ द चैप्टर, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. ऑफ कोर्स वी नो दैट वी डू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन ऑर्डर टू गेट फ्रीडम. द ब्रिटिश केम इन टू इंडिया एज अ ट्रेडर इन 16th सेंचुरी टू बाय स्पाइसिस एंड फाइन क्लॉथ्स दैट इंडियन वीवर्स मेड. जो ब्रिटिश हैं वो इंडिया आए ट्रेडर बनके, ट्रेडर मतलब बिजनेसमैन बनके 16th सेंचुरी में, टू बाय, मेन उनका एम था मसाले खरीदना, फाइन क्लॉथ खरीदना इंडियन वीवर्स ने जो बनाए. इन 1600 AD दे फॉर्म्ड अ कंपनी कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी. उन्होंने 1600 AD में एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी. सेट अप देयर ट्रेडिंग सेंटर इन कलकत्ता, कोलकाता, सूरत, मद्रास, चेन्नई एंड बॉम्बे, मुंबई. उन्होंने न्यू ट्रेडिंग सेंटर खोले कलकत्ता में, सूरत में, मद्रास में और बॉम्बे में. ग्रेजुअली द ब्रिटिश बिकेम मोर एंड मोर पावरफुल एंड स्प्रेड देयर रूल ऑल ओवर द इंडिया. धीरे धीरे वो बहुत अमीर हो गए और उन्होंने अपने रूल को ऑल ओवर द इंडिया स्प्रेड करा. द पीपल ऑफ इंडिया वर डिससेटिस्फाइड विद ब्रिटिश रूल. जो इंडिया के लोग थे वो ब्रिटिश के रूल से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई हुए. द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया टू सूट देयर ओन नीड्स. क्योंकि ब्रिटिश जो है वो इंडिया में रूल करते थे अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए. दे बॉट द इंडियन गुड्स एट लो प्राइजेस. उन्होंने इंडियन गुड्स को खरीदा सस्ते प्राइजेस में. दे डिड नॉट अलाउ द इंडियन क्राफ्ट्समैन एंड फार्मर्स टू सेल देयर गुड्स टू एनीवन एल्स. वो किसी को भी अलाउ नहीं करते थे, ना किसी फार्मर को, ना किसी क्राफ्टमैन को, अपने गुड्स कहीं और बेचने के लिए. द इंडियन फार्मर एंड क्राफ्ट्समैन बिकेम पुअरर एंड पुअरर वाइल द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम रिचर एंड रिचर. जो इंडियन फार्मर्स थे और जो क्राफ्ट्समैन थे वो बहुत ही गरीब होते गए, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी रिच पर रिच होती गई. ऑल द वेल्थ ऑफ इंडिया वॉज बींग टेकन अवे टू ब्रिटेन. सारी वेल्थ इंडिया की ब्रिटेन ले जाई गई. द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया फॉर मोर देन 200 ईयर्स. ब्रिटिश ने इंडिया पर कम से कम 200 साल तक अपना राज किया. द डिससेटिस्फेक्शन एंड एंगर ऑफ द इंडियंस बर्स्ट आउट इन द फॉर्म्स ऑफ रिवोल्ट इन 1857. अब बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, जिसकी वजह से रिवोल्ट लड़ा गया 1857 में. द रिवोल्ट बिगेन व्हेन द फ्यू सोल्जर्स इन मीरूत रिफ्यूज टू ओबे ऑर्डर्स गिवन बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स. रिवोल्ट स्टार्ट हुआ जब कुछ सोल्जर्स मीरूत के ब्रिटिश के ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए मना करने लगे. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू राइफल कॉल्ड इनफील्ड. देयर वॉज अ र्यूमर दैट कार्टिजेस ऑफ दिस राइफल वर ग्रीज्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स. ब्रिटिश एक नई राइफल लेके आए जिसका नाम रखा गया इनफील्ड. ये र्यूमर फैलाई गई कि जो इसका कार्टिज है उसमें काउ और पिग का फैट है. दिस हर्ट द रिलीजियस फीलिंग ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स. इससे हिंदू और मुस्लिम बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए. सो द सोल्जर्स रेफ्यूज टू ओबे देयर ऑफिसर्स. इसलिए उन्होंने अपने ऑफिसर्स की बात माननी बंद कर दी. द रिवोल्ट सून स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया. रिवोल्ट धीरे धीरे इंडिया के बाकी पार्ट्स में जाने लगा. इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट वर नाना साहिब इन कानपुर, तात्या टोपे इन बुंदेलखंड, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, बेगम हजरत महल इन लखनऊ. तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स जुड़े, लाइक नाना साहिब जुड़े, तात्या टोपे जुड़े, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल जुड़ी. इसके साथ साथ बहादुर शाह जफर भी जुड़े. रानी लक्ष्मीबाई वॉज अ यंग क्वीन ऑफ झांसी. रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही यंग क्वीन थी झांसी की. शी ड्रेस लाइक सोल्जर एंड फॉट ब्रेवली फॉर द फ्रीडम ऑफ हर कंट्री. वो सोल्जर की तरह ड्रेस पहनती थी और फ्रीडम के लिए उसने लड़ाई लड़ी. बट इंडिया कुड नॉट अटेन फ्रीडम एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ इंडियंस वर नॉट यूनाइटेड. इंडिया को उस टाइम फ्रीडम नहीं मिली क्योंकि वो लोग यूनाइट नहीं रहते थे, इकट्ठे नहीं रहते थे. दे डिड नॉट हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी. उनकी अच्छी आर्मी भी नहीं थी. सो द ब्रिटिश मैनेज टू सरप्रेस द रिवॉल्ट. इसलिए उन्होंने रिवॉल्ट छेड़ा. द पीपल ऑफ इंडिया हाउ एवर कंटिन्यू टू फाइट फॉर देयर फ्रीडम. वो अपनी फ्रीडम के लिए लड़ते रहे. द रिवोल्ट हैड लाइटन्ड अ फ्लेम इन द माइंड्स ऑफ ब्रिटिश पीपल टू बी फ्री. रिवोल्ट की वजह से लोगों के मन में आया कि हमें फ्री होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए. ब्रिटिश ट्राइड टू सरप्रेस देयर मूवमेंट. ब्रिटिश ने अपना मूवमेंट बढ़ाया बट
द डिज़ायर टू बी फ्री, लेकिन इंडियंस इतने स्ट्रांग थे कि उनकी डिज़ायर दिन प्रतिदिन और ज़्यादा स्ट्रांग होती रही कि अब हमें फ्रीडम चाहिए. दिस चैप्टर नाउ कम्प्लीटेड. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू क्लास.